नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तो आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। शराब मिलने वाले राजस्व का आंकड़ा जारी किया गया है। यूपी सरकार ने 2021 और 22 तक का एक आंकड़ा जारी किया है, जहां शराब से सरकार ने 36,200 करोड़ कमाए हैं। बता दें आपको कि पिछले साल की तुलना में 6,000 करोड़ राजस्व बढ़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, जहां शराब की बिक्री से जो राजस्व हुआ है खर्चा, उसकी जानकारी दी गई। और 6,000 करोड़ का जो बजट है वो ज्यादा आया है। आपको बता दें, 6,000 करोड़ ज्यादा का इस बार आंकड़ा सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां राजस्व को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शराब से मिलने वाले राजस्व का आंकड़ा जारी किया है, जो कि इस साल 6,000 करोड़ का ज्यादा मुनाफा आया है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने 2021-22 तक का आंकड़ा जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में फिर एक बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद इटावा जाने से पहले औरैया पहुंचे उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पूर्व में रही बीजेपी की सरकार ने 5 सालों में बहुत बेहतर काम किया है। सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया और उसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाएगी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर हम सभी मिलकर ले जाएंगे। मैं एक मंत्री के रूप में पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। प्रदेश की अपनी सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित रहूंगा। योगेंद्र उपाध्याय ने यह भी कहा कि पहले रही बीजेपी सरकार ने 5 सालों में बहुत बेहतर काम किया है। सरकार ने खासतौर पर शिक्षा का स्तर बढ़ाया और उसी एजेंडे को आगे भी बढ़ाया जाएगा। उसको जो दायित्व मिला है उस पर वो खरे उतरेंगे और उच्च शिक्षा मंत्री का औरैया के बाद जिले के कई स्थानों पर भी भव्य स्वागत किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर के लिए रुक रहे हैं अयोध्या से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते चलें, जहां से ये बड़ी खबर सामने आई है, अयोध्या में आज से मिलेगा रामलला का प्रसाद। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आ रही है राम भक्तों के लिए, जहां राम का प्रसाद मिलेगा, राम भक्तों को मिलेगा प्रसाद। भक्तों को रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें आपको कि दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में ये प्रसाद दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद रामकोट कार्यालय पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आ रही है, जहां रामलला के प्रसाद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अयोध्या में दोपहर को 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाएगा, जहां विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर यह प्रसाद वितरित किया जाएगा। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जल शक्ति राज्य मंत्री बनने वाले रामकेश निषाद आज पहली बार अपने गृह जनपद बांदा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान रामकेश निषाद ने कहा कि 5 साल पहले तक बुंदेलखंड उपेक्षा का शिकार था, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में क्षेत्र का तेजी के साथ विकास हो रहा है। बांदा की तिनवरी सीट से विधायक बनने के बाद प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बने रामकेश निषाद मंत्री बनने के बाद आज पहली बार गृह जनपद पहुंचे। जनपद में जल शक्ति मंत्री का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि 5 साल पहले तक बुंदेलखंड उपेक्षा का शिकार रहा। पहले इस क्षेत्र में इसकी पहचान सूखे और पिछड़े क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में पेयजल की बड़ी योजनाएं लाने का काम किया। उनकी मंशा इस क्षेत्र से पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का समाधान कर क्षेत्र को संतृप्त करना है।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति मंत्री होने के नाते ये प्रयास रहेगा कि जो भी योजनाएं संचालित हैं वो और गति पकड़े। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये प्रयास रहेगा कि अपने कार्यालय में, अपने कार्यकाल में हर घर तक लोगों को पीने का शुद्ध पानी और नहर से टेल तक का सिंचाई का पानी पहुंचा सकें, जिससे किसान और गरीब लोगों को पानी की समस्या से परेशान ना होना पड़े। और इसी बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रायबरेली में आपको बता दें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जो है विद्युत विभाग से जुड़ी। विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से शॉर्ट सर्किट हुआ, खेत में पड़ी पकी गेहूं की फसल इस दौरान आग के हवाले हो गई। आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। खेड़ा थाना क्षेत्र के मथुरा खेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी आग लगी है वहां पर और कितना विकराल रूप लिया हुआ है। हवा में उड़ता ये काला धुआं साफ बता रहा है कि आग काफी भीषण है। और आपको बता दें विद्युत विभाग की लापरवाही यहां पर सामने आई है और तमाम सवाल निशान यहाँ विद्युत विभाग पर खड़े हो रहे हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग पकड़ी गई। आपको बता दें गेहूं की फसल में आग लगी है और कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है। तो वहीं बीजेपी ने विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की बैठक इरवक्त काटरा से शांति गेस्ट हाउस में की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा और प्रत्याशी प्रधान, आपको बता दें कि तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें इस बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि इरवक्त काटरा में हम लोग बड़े अंतर से चुनाव अवश्य जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रशन दत्त द्विवेदी ने बताया है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम प्रत्याशियों में से नहीं हैं जो जीत कर घर बैठ जाएं, हम उन प्रत्याशियों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बरेली में भीषण आग लग गई है और सेंट्रल जेल के पीछे जंगल में यह आग लगने की घटना सामने आई है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जंगल के पीछे अचानक से यह आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसके कारण अफरा तफरी का माहौल मच गया। अज्ञात कारणों की वजह से यह आग लगी है। हालांकि पहले भी कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है, जंगल में आग लगी है और इज्जत नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बहरहाल आग लगने के पीछे क्या कारण रहे उसकी पुष्टि की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि पहले भी कई बार जंगल में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और ताजा मामला बरेली के सेंट्रल जेल के पीछे से सामने आया है, जहां सेंट्रल जेल के पीछे जंगल में ये आग लगी है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। दरअसल यहां पर एक शख्स ने खुद के ही अपने घर को अवैध बताकर उसे प्रशासन से तोड़वाने के लिए आवेदन किया। बता दें कि प्रशासन के बुलडोजर द्वारा अपने अवैध रूप से बनाए गए घर को तोड़े जाने के डर से रामपुर जिले में एक 40 साल के व्यक्ति ने खुद एक आवेदन दायर किया और एसडीएम अशोक चौधरी से इसे गिराने की अपील की। जानकारी के अनुसार घर आंशिक रूप से सूखे तालाब और कब्रिस्तान पर बनाया गया है और ये दोनों ही सरकार से संबंधित हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान एहसान मियां का दावा है कि सच पाया गया कि एहसान ने कहा था कि हम करीब 2 पीढ़ियों से इस घर में रह रहे हैं। हमारे प्लॉट मैप में मैंने हाल ही में पाया कि वक्फ और सरकार की संपत्ति पर घर अवैध रूप से बनाया गया था, इसीलिए मैंने इसे ध्वस्त करने के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला किया। तो वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम चौधरी ने कहा है कि रामपुर जिले की तहसील शाहबाद
के अंतर्गत मित्रपुर एहरोला गांव में कई घर सूखे तालाबों और कब्रिस्तानों पर बनाए गए हैं। तो वहीं अब आगे देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या फैसला लेती है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में सीएम योगी के लिए बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचार हुआ था। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक गेहूं के खेत में आग लग गई है और मिनटों में ही 50 एकड़ की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आग लगने की खबर इस वक्त की सामने आ रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी के चलते ये आग लग रही है, लेकिन आपको बता दें पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि सटीक कारण क्या कुछ रहा। लेकिन शाहबाद से अभी ये खबर सामने आ रही है जहां पर आग लगी है और आपको बता दें फसल जलकर राख हो गई है। फोन करने पर भी लेकिन पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां नहीं पहुंची। लोगों का यह आरोप है कि घंटों तक वो आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। आग बुझाने में जुटे किसान शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र कुरिया कला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सूचना देने के बावजूद भी वहां पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची और ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते अगर गाड़ियां पहुंच जाती तो फसल बचाई जा सकती थी, लेकिन मिनटों में 50 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से मामला सामने आ रहा है जहां गाजियाबाद नगर निगम में नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल शुक्रवार को निगम ने एक आदेश जारी कर नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसी के अनुसार ये प्रतिबंध 2 से 10 अप्रैल के बीच में प्रभावी रहता है और अब इसी फसल को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें इस फैसले को वापस लेते हुए शनिवार को मेयर की ओर से एक जारी किए गए ताजा पत्र में कहा गया कि इस मामले में यूपी सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है। जिले के 5 क्षेत्रों में जारी किए गए पहले के आदेश में कहा गया था कि महापौर के निर्देशों के अनुसार मंदिरों में सफाई बनाए रखने और अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश है। संबंधित क्षेत्रों में मंदिरों में सफाई बनाए रखने के लिए और मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पहले भी त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने की अपील की थी, लेकिन गुरुवार को उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट मांस बेच रहे हैं और अधिकारियों से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। और सरकार भ्रूण हत्या और गर्भपात पर रोक लगाने की बात कर रही है और इसके लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्यरत भी रहती है, लेकिन कानपुर देहात में एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर अविवाहित महिला का गर्भपात कराने की एक डील हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर कस्बे में एक क्लिनिक है जहां पर झोला छाप महिला डॉक्टर संचालित करती है इस क्लिनिक को, लेकिन दरअसल इस महिला ने क्लिनिक में बतौर डॉक्टर वो कार्यरत है, इसका नाम सोनी है। काफी दिनों से इस क्लिनिक में नियमों को ताक पर रखकर गर्भपात कराया जा रहा है। महिला गर्भपात कराने के नाम पर 7,000 रुपए की मांग करती है और दूसरी ओर दूसरा बंदा वीडियो बना रहा था और शख्स ने झोला छाप महिला डॉक्टर से रेट कम करने की बात कही। इस दौरान महिला डॉक्टर लगातार अपने बगल में बैठी हुई अविवाहित लड़की के पेट में 2.5 महीने का गर्भ होने का दावा करती नजर आई। लगातार इस बात को लेकर उसे डराया भी गया। जल्द से जल्द गर्भपात करा लेने की नसीहत दी गई और आखिर में गर्भपात कराने की बात कहकर 5,500 रुपए पर ये बात तय की गई। इसके बाद पूरा मामला संज्ञान में आया और इसकी जानकारी मिलते ही कानपुर देहात स्वास्थ्य महकमे के नोडल अधिकारी डॉक्टर SL वर्मा ने इसे पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए झोलाछाप महिला डॉक्टर के क्लिनिक और निजी अस्पताल मां पीताम्बरी पर लगाए गए आरोप की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे और डॉक्टर वर्मा ने बताया कि किसी भी महिला का गर्भपात विषम परिस्थिति में ही किया जा सकता है, उसमें भी उस महिला के परिवार पति की सहमति अनिवार्य होगी। डॉक्टर वर्मा ने यह भी बताया कि गर्भपात कभी भी किसी भी अविवाहित महिला का नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने की बात कही, साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ विधि पूर्वक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
और एक दिन पहले अचानक घर से गायब हुई एक वृद्धा का शव पुलिस ने शारदा सहायक नहर से बरामद किया था। तो वहीं पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह आसपास के गांव के लोग नहर की तरफ गए तो नहर में महिला का शव देखकर दंग रह गए। तभी ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया, जिसके बाद महिला की पहचान सावित्री देवी के रूप में हुई है। महिला के परिजनों का कहना है कि वो अपने घर से कल दोपहर को अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जबकि उसकी चप्पल झालभाग गांव के पास शारदा नहर के किनारे मिली थी। और भारत में यूं तो हर जगह मंदिरों का मिल जाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ के प्रसिद्ध मंदिर आखिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं, और देवी माँ को पहाड़ों वाली माता क्यों कहते हैं, और साथ ही माता के मंदिरों के पहाड़ों पर ही होने का रहस्य क्या है? आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्या है जो अन्य जगहों पर नहीं है? तो चलिए इस नवरात्रि आपको बताते हैं माँ के भवन से जुड़ी खास मान्यताएं। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही हर तरफ माहौल भक्तिमय हो जाता है। दूर दराज से भक्त देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुँचते हैं। देवी के भक्त अपनी मुरादें लेकर माता के ऊंचे पर्वतों पर बने भवन पर जाने से भी नहीं कतराते। पर क्या आपको पता है कि माता के प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं? पहाड़ों पर बने देवी के मंदिरों की इतनी विशेषताएं क्यों होती है? तो आपको बता दें कि पहले समय से ही इन पहाड़ों को साधना का केंद्र के रूप में माना जाता था। पहले ऋषि मुनि ऐसे ही स्थानों पर सालों तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे। दरअसल पहाड़ों पर एकांत होता है। एकांत ने ही देवी मंदिरों के लिए पहाड़ों को महत्व दिया है। पहाड़ों पर मन एकाग्र करना आसान होता है। मौन, ध्यान और जप ऐसे तमाम कार्यों के लिए एकांत की जरूरत होती है, और इसके लिए ही पहाड़ों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर इंसानों का आना जाना भी कम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य अपने असली रूप में जीवित रह पाता है। लगातार ऊंचे स्थानों पर रहने से जमीन पर होने वाली बीमारियां भी खत्म हो जाती है। वहीं ऐसे में पहाड़ी स्थानों पर इंसान की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का जल्दी से विकास हो पाता है। तो वहीं पहाड़ों पर दैवीय स्थल होने की वजह से यहाँ पर देवी उमा यानी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। देवी को पहाड़ों वाली माता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवी का जन्म यहीं हुआ था। इस स्थान को देवभूमि भी कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि इस स्थान को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वहीं देखा जाए तो देवी राक्षसों के नाश के लिए भी यहीं अवतरित हुई थी। ऐसे में ये भी माना जाता है कि राक्षस मैदानी इलाकों से आते थे और देवी पहाड़ों से उनको देखकर उनका वध कर देती थी। इसीलिए भी देवस्थान ऊंचे पहाड़ों पर ही होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं देवी माँ के पहाड़ों पर बने प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, और शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर है जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में कटरा नगर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर। ये मंदिर 5,200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करने देश और विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। और हो भी क्यों ना, माँ वैष्णो देवी के भवन की महिमा ही कुछ ऐसी है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था। अब बढ़ते हैं देवी के दूसरे धाम की ओर, जो है पूर्णागिरी देवी मंदिर। ये मंदिर है भारत की देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में, जहाँ अन्नपूर्णा शिखर पर 5,500 फुट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर 108 सिद्ध पीठों में से ये मंदिर एक माना जाता है। ये स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कट कर गिरा था, और प्रतिवर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं।
माँ वैष्णो देवी जम्मू के दरबार की तरह ही पूर्णगिरी दरबार में भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वहीं अब रुख करते हैं नैना देवी मंदिर का। ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी का मंदिर है। 1880 में भूस्खलन की वजह से ये मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनवाया गया और यहाँ देवी सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस मंदिर में दो नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। यह प्रसिद्ध नैना झील भी है जहाँ जिसके बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैना झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे और इससे प्रेरित होकर ही इस मंदिर की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हाट काली माता मंदिर की ओर। यहाँ पर माँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से इसे एक माना जाता है जो कि देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच महाकाली का यह मंदिर है जिसका नाम है हाट काली। जहाँ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर महाकाली स्वयं भगवान विष्णु और भगवान महादेव को आवाज लगाती थी। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि महिषासुर और चामुंड समेत तमाम भयंकर शुम्भ नशुम्भ जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भी महाकाली का ये रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती हुई महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। इसी दौरान पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवधर के वृक्ष में चढ़कर भगवान शिव को आवाज लगानी शुरू कर दी थी। अब आपको बताते हैं मनसा देवी मंदिर के बारे में। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर है। दुर्गम पहाड़ियों में और पवित्र गंगा के किनारे स्थित मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में भी है। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ है इच्छा। मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था। उन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्धि पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का अध्ययन किया और कृष्ण मंत्र प्राप्त किया जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद देवी ने कई युगों तक पुष्कर में तप किया और भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर वरदान दिया कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। अब अगला मंदिर जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। उन्हें ज्योतावाला का मंदिर भी कहा जाता है और आपको बता दें कि इसे नगर कोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थान पर माता सती की जीव गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के पास ही बाबा गौरानाथ का मंदिर भी है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अब नंबर आता है मेहर माता मंदिर का। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर है जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियां चढ़नी होती है। मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। यहाँ भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति विराजमान है जिसे साल 502 में लगवाया गया था। साथ ही दो महान योद्धाओं अल्हा तथा उधल का भी दर्शन कर उनकी वीरता और महानता की वंदना की जाती है। अल्हा और उधल माँ के बहुत समर्पित भक्त थे। उन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी किया था। साथ ही मां शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधि में ये दोनों भाई मां के दर्शन करने आते हैं। दोनों भाई मां के दर्शन पूजन के साथ साथ उनका श्रृंगार भी करते हैं। इसीलिए रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता ये भी है कि जो हठ पूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है।
अगला मंदिर है सलकनपुर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर सलकनपुर में विराजी माँ विजयासन दर्शन देकर भक्तों का हर दुख हर लेते हैं। 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त माता के दरबार पहुंचते हैं। सलकनपुर में विराजी सिंधेश्वरी माँ विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महा सरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। देवी का नौवा प्रसिद्ध मंदिर है माँ बम्बलेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गाँव जिले में डोंगरगढ़ में स्थित है माँ का बम्बलेश्वरी मंदिर। इसे कामाख्या नगरी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीर सेन का शासन था। वो निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें एक साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीर सेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने माँ बम्बलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इस कड़ी में माँ का अगला मंदिर आता है पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती के अंग गिरे थे। आपको बता दें कि पावागढ़ में मां के वक्ष स्थल गिरे थे। इसी तरह से पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहां हवा का वेग भी चौतरफा था। इसीलिए पावागढ़ यानी कि ऐसी जगह से कहा गया जहां पवन का वास हो। ये मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई भी बेहद कठिन है, पर जो भी हो, माता के मंदिर की भव्यता और उनकी मान्यताएं आज भी देश विदेश से लोगों को माँ के करीब खींच ले जाती है। स्पेशल रिपोर्ट आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।